नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना सचिन चौहान आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, फिर से पहुंचे एक ऐसे खेत में जिसमें पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी साल लगाए गए पॉपुलर के पेड़। ये बाहर बाउंड्री पर लगे हुए हैं कुछ पेड़, और थोड़ा आगे जाकर अंदर चलकर मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले बता दूं भाई, किसान भाई ने जो पॉपुलर के पेड़ लगाए हैं वो लगाए हैं गन्ने के खेत में। पिछले साल नवंबर के महीने में किसान भाई ने इस खेत में गन्ने की बिजाई की। गन्ने की बिजाई करने के बाद अगले दिन इस खेत में लहसुन लगवाया। लहसुन और गन्ना दोनों फसलें एक साथ, और जब जनवरी आई तो इसमें लगवाए थे पॉपुलर के पेड़। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसी साल के लगे हुए पॉपुलर के पेड़, और ये हो गए लगभग 9 महीने के पॉपुलर के पेड़। किसान भाई ने जो गन्ने की बिजाई की है वो देख सकते हैं आप, 4 फीट के गैप पर है। यहाँ से यहाँ तक ये 4 फीट का गैप है। 4 फीट के गैप पर गन्ने की बिजाई की है, और पॉपुलर के पेड़ की मैं लाइन दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, एक पॉपुलर का पेड़ यहाँ पर, फिर आगे यहाँ किसान भाई ने गैप रखा है 7 फीट का पेड़ से पेड़। और जबकि लाइन से लाइन के बीच का गैप बताऊँ, एक पेड़ यहाँ पर, और फिर आगे चलता हूँ मैं, दूसरी लाइन आपको दिखाता हूँ पॉपुलर की, फिर आ गई एक लाइन यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर आगे चलकर दिखाता हूँ, अगली लाइन आ गई यहाँ पर। तो ये जितना किसान भाई ने बीच का गैप रखा है लाइन से लाइन के बीच, ये गैप रखा है किसान भाई ने 13 फीट। 13 फीट लाइन से लाइन का गैप, पेड़ से पेड़ के बीच का जो गैप रखा है वो लगभग 7 फीट रखा है, और 4 फीट के गैप पर गन्ने की बिजाई की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, खेत के बीच में हूँ, पॉपुलर के पेड़ उगे हुए हैं, साथ में गन्ना, ये हो गया एक साथ 3 फसलें। 3 कैसे? पॉपुलर उगा हुआ है, गन्ना खड़ा है, और गन्ना बीज कर उसके ऊपर लगाया था लहसुन, वो ले चुके हैं ये फसल लहसुन की। मार्च में इसमें से लहसुन निकाल लिया गया था। मार्च के बाद फिर ये गन्ना उगाया, इसकी निराई गुड़ाई करवाई, और अब ये तैयार है कटने के लिए। तो किसान साथियों, इस प्रकार एक साथ दो दो तीन तीन फसलें लेकर किसान भाई लाभ कमा सकते हैं, और ये केवल पॉपुलर की फसल के साथ ही संभव है। दूसरी फसलों में इस प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी फसलों के साथ ऐसा शायद ही होता होगा जैसा कि गन्ने के साथ हो जाता है। गन्ने के साथ आप दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। अब साथ में मैं आपको अपना खेत दिखा दूं। इधर ये मेरा खुद का अपना खेत जिसमें पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं। वैरायटी लगाई थी मैंने विमको 109। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेड़ का आकार, साइज़ आपके सामने, ये बाउंड्री लगी हुई है। और आगे चलकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पानी चलाया हुआ है भाई, आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है खेत में। आज हम इसको पानी लगा रहे हैं खेत को, और थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा पानी में। ये आप लाइन से लाइन के बीच का गैप देख सकते हैं किसान साथियों, 13 फीट का गैप रखा गया है। लाइन से लाइन के बीच का गैप 13 फीट, और पेड़ से पेड़ के बीच का गैप भी 13 फीट रखा गया है। सामने आप देख सकते हैं ट्यूबवेल चला हुआ है, पानी चला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, ये सही समय है भाई। इस समय जिस खेत में आपने गेहूं की बिजाई करनी है, उस खेत को आप पानी लगाएं, और सही समय पर अब ये बीजने लायक हो जाएगा, खेत बोने लायक हो जाएगा। आप सही समय पर गेहूं की बिजाई करेंगे। आज तारीख हो गई 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर इसमें पानी देने का मकसद इसलिए, थोड़ा लेट इसलिए है, लगभग आज से 4 से 5 दिन पहले आ जाना चाहिए था वैसे पानी, क्योंकि ये रेतली ज़मीन है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं भाई। और रेतली ज़मीन में पॉपुलर आपके सामने है, परफॉर्मेंस आपके सामने, आप देख सकते हैं। मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, शीशा साफ है, आप देख सकते हैं एक एक पेड़, एक एक लाइन। ये रेतीली ज़मीन है, और रेतीली ज़मीन में जल्दी ये पानी को सोख लेती है। आज पानी दूंगा तो उम्मीद है कि अगले 8-10 दिन तक ये खेत बीजने लायक हो जाएगा, गेहूं की बुआई इसमें हो सकती है। 30-31 अक्टूबर तक या 1 नवंबर तक इसमें गेहूं की बिजाई कर दी जाएगी। और साथ में उदाहरण भाई, रेतीली ज़मीन में पॉपुलर कैसे होते हैं वो आपके सामने है, मैं दिखा सकता हूँ। अगर कहीं पर मिट्टी है तो मिट्टी भी दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं किसान साथियों, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं, ये रेतीली मिट्टी है बिल्कुल, ये लो आप देख सकते हैं। रेतीली ज़मीन में भी पॉपुलर अच्छे तैयार किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी कोशिश, मेहनत, प्रयास करना पड़ेगा।
समय समय पर पानी लगाना पड़ेगा, एक उचित गैप पर ठीक ढंग से आप पेड़ लगाएं, अच्छी वैरायटी के पेड़ लगाएं। जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं भाई ये वैरायटी है विम्को 109 और अभी पेड़ जो हैं वो हो गए 2 साल और जनवरी में लगे थे तो 2 साल और 9 महीने के, 2 साल 9 महीने में इतनी ग्रोथ। अभी जनवरी जब आएगी 2025 में जनवरी तो ये हो जाएंगे पूरे 3 साल के। लो जी किसान साथियों इधर से भी देखिए आप, लाइन से लाइन और पेड़ से पेड़ के बीच का गैप 13 फीट, क्या प्रोग्रेस है, रिपोर्ट आपके सामने, फाइनल आप करेंगे अच्छा या बुरा क्या किया। मैंने केवल मेहनत की है, प्रयास किया है और उसे जज करने वाले आप हैं, जनता आप हैं, किसान भाई आप हैं, नज़रें आपकी परखेंगी काम अच्छा हुआ या नहीं। आज ही पानी चलाया, दोपहर में चलाया था, दोपहर बाद लगभग 1:15 बजे के आसपास 2 क्यारियां भर चुकी हैं, बाकी आगे चलाएंगे अभी। तो किसान साथियों रेतीली ज़मीन से भी अच्छी फसलें, अच्छे पॉपुलर लिए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं। और साथ में वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको उदाहरण दिखाया था कि कैसे आप गन्ने के साथ पॉपुलर, पॉपुलर चाद गन्ना और साथ में लहसुन की फसलें ले सकते हैं और साथ में मेरे खुद के अपने पॉपुलर के पेड़ कैसे हो गए ये आप खुद तय करेंगे। तो किसान साथियों साथ ही मैं बता दूं भाई खाद के बारे में, वैरायटी मैंने बता दी, दूरी बता दी खाद। जब मैंने पॉपुलर के पेड़ लगाए थे किसान साथियों तो मैंने इस खेत में देसी खाद डालकर पॉपुलर के पेड़ लगाए थे। देसी खाद कितना डाला था पर एकड़ के हिसाब से 6 ट्रॉली, कम से कम 6 ट्रॉली मैंने डाली थी तब इसमें ये पॉपुलर के पेड़ लगाए थे। और अगर आपके पास 6 ट्रॉली नहीं हो पाती, 4 भी हो जाती हैं तो किसान साथियों मैं समझूंगा 4 से 5 ट्रॉली भी 1 एकड़ के लिए बहुत होंगी। तो अच्छी खाद दें, खुराक दें, पॉपुलर के पेड़ तैयार करें, आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर की खुराक खाद के अलावा, देसी खाद के अलावा अगर कोई किसान भाई देसी खाद ना डाल पाए उसके अलावा कौन सी खाद डाल सकते हैं। देखो भाई जब भी आप खेत को पानी लगाएं, जैसे मैंने अभी इस खेत को तैयार किया हुआ है, जोता हुआ है हैरो से, तो मैंने इसमें अभी जो पानी दिया है, पानी देने से पहले मैंने इसमें लगभग 20 किलो यूरिया 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया और 2 बैग मैंने इसमें सुपर के लगाए हैं, 2 बैग सुपर और साथ में आधा बैग यूरिया 20 किलो 22 किलो के आसपास यूरिया डालकर इसमें यूरिया मिक्स करके इसमें डाल दिया और ऊपर से पानी छोड़ दिया। अब ये जो खुराक डाली है मैंने सारी घुल मिलकर मिट्टी के साथ पानी के साथ पेड़ की जड़ों तक जाएगी और पेड़ को लाभ मिलेगा। तो किसान साथियों इस तरह आप अलग से ऊपर से भी खुराक डाल सकते हैं खेत को, जब भी पानी लगाएं फसल के साथ तब भी आपके पॉपुलर को खुराक मिलती रहेगी। और देसी खाद तो देसी खाद है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। तो किसान साथियों आज की जानकारी पॉपुलर के पेड़, वैरायटी, दूरी, खाद, ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो देखकर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।